हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चॉप्स वाले भैया। बात करेंगे फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी और उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स 10 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया था कि जिन लोगों का यहाँ पे नाम आया है लिस्ट में, उनका स्किल टेस्ट के लिए उनको बुलाया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है इस वीडियो में, क्योंकि रिक्वेस्टेड था, बहुत सारे लोगों का मेल आ रहा था बहुत सारे कैंडिडेट का कि सर इसके बारे में कुछ बताइए कि आखिर क्या करना है, आगे कैसे क्या करना है। तो वो आपको चीज़ बताएंगे और साथ में फ्रेंड्स उन लोगों को जरूर सचेत कर देंगे कि जब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में कि स्मार्ट सिटी का वैकेंसी निकला है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि फेक है, वेबसाइट पे नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को अभी जब इसका ये आ गया है, लिस्ट आ गया है, तो ये चीज़ आप खुद समझ में आ गई होगी कि हमारे चैनल पर कभी भी कुछ फेक नहीं बताया जाता है। अगर कुछ है ऐसा सस्पिशियस तो उसको सबसे पहले हम लोग ही उजागर कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर चीज़ें गलत हैं। साथ में दूसरी चीज़ आपको बताएंगे कि अगर आपके पास भी कोई नोटिफिकेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में नहीं है और आप चाहते हैं कि हमें सही जानकारी मिल जाए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे ईमेल आईडी है वहाँ पे आप सीधा हमें ईमेल कर सकते हैं और आपको ज़रूर उसके रिगार्डिंग जानकारी दी जाएगी अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे नोटिस आया है और आगे क्या कुछ करना है इन लोगों को। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मुझे वेबसाइट जो है मुजफ्फरपुर का कैसे खोलना है, मैं भी आपको दिखा देते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि muzaffarpur.nic.in यहाँ पे आपको आना है और उसके बाद यहाँ पे जो ये तीन लाइनें दिख रही हैं इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे को आएंगे जब आप, तो यहाँ पे देखिए नोटिस का एक कॉलम दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे नोटिस वाले पे और उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए रिक्रूटमेंट के कॉलम में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इंटरव्यू नोटिस फॉर 4 पोस्ट्स ऑफ MSCL। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्यू 3 MB का फाइल है, इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद जब ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे ये PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाल दिया है, आप लोग वहाँ से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं वेबसाइट पर जाने के लिए तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अभी भी कमेंट कर देते हैं कि फेक है। ठीक है, तो चलिए अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या नोटिस आया है। 10/6 को नोटिस आया था कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द डिफरेंट पोस्ट्स अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर हियर बाय इन्फॉर्म थ्रू दिस नोटिस टू अटेंड द स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑन द शेड्यूल डेट एंड द टाइम गिवन बिलो। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अटेंड द ऑफिस ऑफ मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरपुर विद द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि जो आपको जाना है मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं इसका एड्रेस कहाँ है, कॉल आया था मुझे सुबह सुबह कि इसका एड्रेस कहाँ है। तो एड्रेस आपको अगर नहीं पता है तो सीधा गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आप सीधा पूछिएगा कि वेयर एड्रेस ऑफ मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं, गूगल आपको ज़रूर आंसर कर देगा। ठीक है, और आप जा सकते हैं इजीली, मुजफ्फरपुर जाने के बाद भी ऐसे भी किसी से पूछेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए पोस्ट है अकाउंटेंट है, यहाँ पे 21 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, स्टेनोग्राफर में यहाँ पे 16 कैंडिडेट का है, सिलेक्शन नहीं है अभी, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना है, उसके बाद क्या सिलेक्शन है वो भी आपको बता देंगे कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे लोग। उसके बाद है ऑफिस एग्जीक्यूटिव कम असिस्टेंट, सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 124 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए यहाँ पे 113 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब बताया जा रहा है कि स्किल टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द अबव 4 पोस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 15 जून 2021 फ्रॉम 11 AM टिल कंप्लीशन ऑफ टेस्ट मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरपुर बिहार। नो कैंडिडेट्स विल बी इंटरटेन फॉर द स्किल टाइपिंग टेस्ट आफ्टर 11 AM रिपोर्टिंग टाइम 9 AM। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि 9 बजे आपको रिपोर्ट करके वहाँ पे टेस्ट दे देना है। टेस्ट कब तक होगा, जब तक यहाँ पर टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाए तब तक टेस्ट होता रहेगा अनटिल। ठीक है, तो 9 बजे आपको सुबह वहाँ पर रिपोर्ट कर देना है 15 जून को। ठीक, तो ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि भैया वैकेंसी फेक वेक कुछ अगर होता है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। बार बार मुझे कहना पड़ता है कि ऐसा कमेंट मत करिए, बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लॉक भी कर दिया है जो ऐसा कमेंट करते हैं तो वो चैनल पर देख ही नहीं पाते। अब देखिए नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटेंट एंड स्टेनोग्राफर विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग 50% एंड स्किल 50%। सिलेक्शन ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 50 मार्क्स एंड द
टाइपिंग 50 मार्क्स, कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू प्रेजेंट 1 आवर बिफोर। कहने का मतलब अब यहाँ पे 1 घंटे पहले आपको जाना है। और सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ऑफिस कम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पोस्ट था, तो वहाँ पे 50% जो मार्क्स है वो मान के चलते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स थे। एग्जाम्पल के तौर पर, उतना मुश्किल लाना मुझे भी पता है, अगर आपके 80% मार्क्स थे तो 40 नंबर आपका वहाँ से जोड़ लिया गया, 50% मार्क्स आपको वहाँ से मिल गए, बाकी के जो 50% है वो आपके टाइपिंग टेस्ट से लिए जाएंगे। जिनका परसेंटेज अच्छा था ग्रेजुएशन में, उनका तो यहाँ पे सिलेक्शन होना तय है, अगर उनको टाइपिंग आती होगी तो। यही आपको बताना था फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है, यही सब पोस्ट का यही सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आप 50% मार्क्स जो भी आपका उसमें जो मांगा गया था क्वालिफिकेशन उसका लिया जाएगा, जो भी आपके परसेंटेज होंगे उसका आधा नंबर जोड़ लीजिएगा, आधा परसेंट, अगर 100 है तो 50% आपका वहाँ से मिलेगा, 90 है तो 45% मिलेगा, और बाकी का जो 50% नंबर है वो आपके टाइपिंग टेस्ट से लिया जाएगा, और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़रूर बेस्ट ऑफ लक जो भी कैंडिडेट का इसमें नाम है। तो इंतज़ार करिए फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो का। अच्छी लगी हुई वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर मैं ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आपको समय पर देते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।